गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2021 स्विफ्ट के बारे में, तो चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। वेल, ये गाड़ी इंडिया की मोस्ट सेल हैचबैक है, तो क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं 2021 में, तो चलिए आज जानेंगे इस वीडियो में। इस गाड़ी का प्राइसिंग स्टार्ट होता है 5,70,000 रुपीज से 8,40,000 रुपीज एक्स शोरूम। तो जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या फीचर्स इस प्राइस में मिलते हैं। पिछली जो स्विफ्ट थी उससे इस गाड़ी में प्राइस थोड़े इंक्रीमेंट हुए है, तो जानेंगे क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में ऑफर किए गए इस प्राइस सेगमेंट में। तो चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। लेटेस्ट कार्स, बाइक्स रिव्यूज एंड कंपैरिजंस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए अब देखते हैं ये वीडियो। अभी हम बात करेंगे 2021 स्विफ्ट VXi वेरिएंट के फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट में ऐसा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। जो चेंज आपको मिलता है वो है इसका ग्रिल। ये आपको मैश ग्रिल मिलता है विथ न्यू डिज़ाइंस, और यहाँ पे आपको एक बीच में क्रोम बार भी मिलता है। नीचे कोई फॉग लैम्प ऑफर नहीं किया गया है इस वेरिएंट में। और बात करें हेडलाइट्स के बारे में, यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं VXi वेरिएंट में, और ऐसा कोई फ्रंट में चेंज देखने को नहीं मिलता है। अभी साइज प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइज में आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते, नॉर्मल व्हील कैप मिलता है। ये रहे आपके स्टील व्हील्स। और टायर सेक्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 6580R 14 इंच, तो ये 14 इंच के टायर मिल जाते हैं व्हील्स। और यहाँ पे ऐसा कोई चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं विथ साइड टर्निंग इंडिकेटर्स हैंडल्स। यहाँ पे आपको नॉर्मल हैंडल्स मिल जाते हैं, कोई भी कीलेस एंट्री ऑफर नहीं किया गया VXi वेरिएंट में। अभी रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो रियर में ऐसा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। ये रहा रियर लुक। ऊपर आपको स्टॉप लैंप मिल जाएगा, साथ ही में आपके एंटीना हो गया, ये नॉर्मल एंटीना ऑफर किया गया VXi वेरिएंट में। कोई भी मारुति का बैजिंग यहाँ पे ऑफर नहीं किया गया है। स्विफ्ट का लोगो, सुजुकी ब्रांडिंग। और इस वेरिएंट में आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और ऐसा चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। और अभी हेडलाइट्स की अगर बात करें तो हेडलाइट्स में आपको थोड़े से एलिमेंट्स डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, पर ये आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। और ऐसा चेंज आपको इस वेरिएंट में आपको स्विफ्ट में एक्सटीरियर में नहीं मिलता है। अभी हम बात करेंगे 2021 VXi के रियर सीट्स कंफर्ट के बारे में। तो अंडर थाई सपोर्ट आपको डिसेंट मिल जाएगा। लेग रूम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सफिशियंट अमाउंट ऑफ लेग रूम ऑफर किया गया है, साथ ही में आपको अच्छा खासा हेड रूम इस गाड़ी में ऑफर किया गया है। अभी हेडरेस के बारे में बात करें तो VXi में आपको एडजस्टेबल हेडरेस इस गाड़ी में ऑफर नहीं किया गया, आपको फिक्स हेडरेस मिल जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे भी ऑफर किया गया है। बीच में आपको कोई भी आर्मरेस्ट इस गाड़ी में ऑफर नहीं किया गया है। और यहाँ पे 3 पीपल्स कैन इजिली सीट, क्योंकि बीच में बीच का जो हम्प है यहाँ पे आपको बड़ा हम्प नहीं मिलता है। और यहाँ पे कोई भी AC वेंट्स रियर में ऑफर नहीं किया गया, यहाँ पे आपको बस एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। सीट की कुशनिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा कुशनिंग मिल जाएगा। और इस गाड़ी में आपको आइसोफिक चाइल्ड माउंट्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको बीच में कोई भी केबिन लैम्प इस गाड़ी में ऑफर नहीं किया गया, फ्रंट में ही आपको केबिन लैम्प ऑफर किया गया। और ये रहा कुछ फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, आप लोग देख सकते हैं रियर से। ये रहा कुछ फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। अभी बात करते हैं सुजुकी स्विफ्ट VXi वेरिएंट के इंटीरियर लुक के बारे में। इंटीरियर में आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर एक्सेंट ऑफर किया गया है। मेन चेंज आपको देखने को मिलता है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपको टच ऑफर किया गया है, आप देख सकते हैं टच मिलता है। अभी AC के कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिगरेट लाइटर ऑफर किया गया है, और यहाँ पे आपको USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। फ़ोन रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस भी ऑफर किया गया है, 2 कप होल्डर्स। और ये रहा आपका 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा और स्पेस मिल जाता है कुछ सामान रखने के लिए, आप अपने
हेडफोन्स रख सकते हैं, और ये रहा आपका हैंड ब्रेक। अभी बात करते हैं ग्लोब बॉक्स के बारे में। तो ग्लोब बॉक्स का साइज़ जो है आपको डिसेंट साइज़ मिल जाता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ये रहे आपके ग्लोब बॉक्स, ऐसा सच आपको चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और अभी बात करते हैं IRVM के बारे में, तो यहाँ पे आपको मैन्युअली करना पड़ेगा IRVM। सनसेट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आप जो पैसेंजर साइज सनसेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। ये रहे आपके केबिन लैंप। ड्राइवर साइज सनसेट्स में आपको टिकट होल्डर ऑफर किया गया है, और ऐसा सच कोई चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अभी स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको कॉल रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, और ये रहा आपका वॉल्यूम कंट्रोल्स, मीडिया कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये आपको पहले जैसा ही मिलता है, जो चेंज आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलेगा वो आपको ZXI वेरिएंट से मिलता है। ये रहे आपके हेडलाइट कंट्रोल्स, और ये रहे आपके वाइपर कंट्रोल्स, ऐसे कोई चेंज नहीं है। और ये स्टीयरिंग व्हील जो आप देख रहे हैं, इसको आप टिल कर सकते हैं, टिल का ऑप्शन इस वेरिएंट में दिया गया है, और ये आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है, और ऐसा चेंज आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता है। और ये जो ड्राइवर साइड डोर है, ड्राइवर साइड डोर आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक में मिलता है। आपके वही पुराने आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, YRVM कंट्रोल्स, और सिल्वर एक्सेंट में आपका ये लॉक हैंडल, और यहाँ पे आप 1 लीटर बोतल रख सकते हैं, और थोड़ा सा स्पेस मिलता है। ये रहे आपके स्पीकर्स, या इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, पर कोई भी ट्विटर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया गया है। आपको यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट में। और ये रहा कुछ रियर का लुक। इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर डुअल VVT पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करती है 89 PS ऑफ पावर एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी अवेलेबल है बोथ 5-स्पीड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में। गाड़ी में आपको माइलेज मिलेगा 23.20 KMPL का। इस गाड़ी में आपको जो कार्ब वेट है वो है 905 किलोस। ये गाड़ी अवेलेबल है टोटल 6 कलर्स में एंड 3 डुअल टोन कलर्स में, वाइट, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ग्रे, सिल्वर, और जो डुअल टोन कलर्स है वो है रेड, वाइट एंड ब्लू। इस गाड़ी में आपको 268 लीटर्स का बूट स्पेस, 37 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा, और गाड़ी का जो डायमेंशंस है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलता है ABS/DVD, डुअल एयरबैग्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, सेंट्रल लॉकिंग, ब्रेक असिस्ट, साइड इम्पैक्ट बीम्स, फ्रंट इम्पैक्ट बीम्स, ऑटोमेटिकली फोल्डेबल ORVMs, और ऐसे सच कोई भी चीज़ इस गाड़ी में और ऑफर नहीं किया गया है। तो गाइस, कैसा लगा आपको 2021 स्विफ्ट का रिव्यू? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही कार्स बाइक्स रिलेटेड रिव्यूज़ लाता रहूँगा इस चैनल पर। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। मैं अभी हूँ जोरहाट धापपता RD मोटर्स पर। अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो मैं लिंक में छोड़ रहा हूँ सब कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, तो देखिएगा ज़रूर। और कुछ भी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।